सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग अभी टाइम है 9:15 और अभी मेरे को जाना है सेंटर पे क्लास, पैथ फिजियोलॉजी का क्लास है। और बाहर का नज़ारा कुछ आज बहुत ही अच्छा है, आसमान बिल्कुल क्लियर है जो कि आप देख सकते हो। और मेरे को अभी लेना है बस, और बस लेके फिर जाना है सेंटर और वहीं पे है क्लास। और मेरे पास 45 मिनट्स है, तो अच्छा हुआ जल्दी निकल गया कि क्योंकि बिल्कुल बस मिलती नहीं है, तो पहले जाता हूँ क्लास करता हूँ फिर मिलता हूँ। तो क्लास के लिए निकल पड़ा हूँ और सेंटर तक आ चुका हूँ, मगर धीरे धीरे स्नोफॉल गिरने लग गई है। तो अभी स्नोफॉल धीरे हो रही है, देखते हैं शाम तक तेज़ होती है या बंद हो जाती है। सो चलते चलते आ चुका हूँ अपना फिजियोलॉजी बिल्डिंग, जो कि ये ब्लू कलर की जो बिल्डिंग है ये पूरा फिजियोलॉजी बिल्डिंग है, मगर इसका जो एंट्रेंस है वो उस साइड से है। सो मेरे को बिल्कुल कॉर्नर तक जाना पड़ेगा और उसके बाद वहाँ से एंट्री होगी। और क्लास ख़त्म होने के बाद मिलता हूँ, या क्लास के बीच अगर कुछ इंटरेस्टिंग से होता है तो फिर मिलता हूँ। अभी के लिए सो मेरी क्लास तो हो गई है, उसके बाद लेक्चर चल रही है और मैं आया था मेन बिल्डिंग बहुत दिन बाद। सो मेन बिल्डिंग का एंट्रेंस के बाद राइट साइड सोफ़ा वगैरह नया लगा हुआ है और फूलदानी वगैरह, और देखिए चिड़िया कितनी मस्त लगती है, एकदम रियलिस्टिक लगती है। फाइनली आ गया हूँ मैं अपने हॉस्टल के पीछे ही, और अभी दोबारा एक जो फोर्थ पैरा के बाद फिफ्थ पैरा क्लास लग गई है, 4 बजे से क्लास है। तो अभी 3:30 हो रहा है क्लास टाइम, और अभी रूम में जाके जल्दी से जल्दी फिर चेंज करके फिर मेरे को दूसरा ऑनलाइन क्लास भी अटेंड करना है। आज 5 क्लास लग गया, बड़ी अजीब बात है, रोज़ 2 क्लास होती है, 3 क्लास होती है, आज 5 क्लास लग गई। मेरे को बहुत जल्दी जल्दी जाना है और डर भी हो रहा है कि यहाँ फिसल के गिर ना जाऊँ। सो आके सो गया था, उठने के बाद मेरा आज 5 क्लास चला सुबह से लेके शाम तक। 5 क्लास होने के बाद 5:30-6 बजे क्लास खत्म हुआ, और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, और रेस्ट करने के बाद अभी दोस्तों का कॉल आया था इंडिया से, उनसे बात कर रहा था। और अभी अनुपमा हमारी एक फ्रेंड है, उसके बर्थडे है, तो हम लोग केक कटिंग के लिए जा रहे हैं, और बाकी हम लोग लेट हो चुके हैं। और फिर हम लोग को याद आया कि एक बुक भी देना है किसी को, तो बुक के लिए फिर रूम में आए, बुक लेके फिर चलते हैं। और ऊपर अब तक तो सब केक कटिंग वगैरह हो चुका होगा, फिर हम लोग 10 मिनट लेट है। टाइम हो रहा है 12:30, और अभी मेरा लाइक कल क्लास है फार्मा का, और फार्मा का ये लास्ट क्लास है, उसके बाद एग्ज़ाम होगा। तो लास्ट जो टॉपिक है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी के ऊपर है। सो मैंने लाइक पढ़ना बहुत पहले शुरू किया था, मगर अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा है, और ख़त्म भी हो रहा है तो फिर याद नहीं रह रहा है। बहुत सारे ड्रग्स का नाम है और बहुत सारे क्रिटिकल टाइप का नाम है, जो कि ना याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो उसको बार बार लिख लिख कर कर रहा हूँ। और बाकी यही बोलूँगा कि जो लोग अभी से ही शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैंने शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहा हूँ। और ड्रग्स के नाम मेरे को लाइक बहुत बार याद करना पड़ता है, क्योंकि सेम टाइप का ड्रग्स है और बहुत क्रिटिकल नाम है, जिनका थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है पर्सनली मेरे को, बाकियों का पता नहीं। बस बट कुछ कुछ दोस्त है, वो उनसे भी पूछा तो बोले उनको भी दिक्कत आती है। बाकी अभी 12:30 हो रहा है, और लाइक अभी व्लॉग को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि इसके बाद भी मेरे को और भी बहुत सारे मतलब रहते हैं, वो ही पढ़ना है। तो अगर फिर व्लॉग बनाने लग जाऊँगा, फिर उसको एडिट करूँगा, अपलोड करूँगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो व्लॉग को यही ख़त्म करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको पूरे दिन का
जो भी मेरा शेड्यूल था, जो भी मैंने किया, वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करो, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और जो लोग कॉलेज के बारे में पूछ रहे हैं कि जनरल इनटेक अभी भी चल रहा है, हाँ जनरल इनटेक अभी भी चल रहा है। आपको कभी भी लाइक पूछना हो तो डायरेक्ट आप मेरे से पूछ सकते हो, जनरल इनटेक अभी भी चल रहा है। और हॉस्टल के बारे में मेरे को बहुत लोग पूछते हैं कि कौन सा हॉस्टल बेटर है, प्राइवेट हॉस्टल या गवर्नमेंट हॉस्टल। देखो मैं प्राइवेट हॉस्टल कभी गया ही नहीं, तो मैं उससे कैसे कंपेयर बताऊंगा। बाकी रही तो हॉस्टल की, गवर्नमेंट हॉस्टल ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, क्योंकि बच्चे जो लोग आए थे नवंबर में, वो लोगों ने तो नवंबर दिसंबर में उन लोगों ने तो ऑक्यूपाइड कर लिया। अब जनरल इंटेक वाले के लिए शायद कुछ सीट अभी भी खाली होगा, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कौन कौन से रूम खाली है, क्योंकि जो हॉस्टल मॉनिटर है उनको पता रहता है, और जो डीन होता है उनको पता रहता है। सो जिनके भी कुछ इंक्वायरीज वगैरह होगा तो मेरे से अलग से DM में पूछ सकते हो, नीचे इंस्टाग्राम ID हमेशा मिल जाता है। अगर नहीं मिलता है तो @rahul.ig.hero सर्च करो, मिल जाऊँगा। तो ब्लॉग को यही ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ कल नए शुरुआत के साथ। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।